नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में ईडी जो है फारूक अब्दुल्ला के साथ लगातार पूछताछ कर रही है। हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता नवदीप छाबड़ा इस वक्त चंडीगढ़ में ग्राउंड जीरो पर हैं और बिल्कुल ठीक वही ऑफिस के बाहर हैं जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ पूछताछ चल रही है। क्या कुछ हो रहा है वहां पर नवदीप? देखिए अच्छा, बिल्कुल करीब करीब 10:30 और 11:15 के बीच ईडी दफ्तर पहुंचे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, और उनसे पूछा अभी भी लगातार जारी है। समझ सकते हैं कि 4.25 घंटे के आसपास का समय होने वाला आशा, और अभी भी जो ईडी के अधिकारी हैं उनकी पूरी जो टीम है वो जो सेक्टर 18 का ईडी ऑफिस है, प्रमुख ऑफिस है, वहाँ पर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के अंदर 2010 और 2011 के बीच जो पूरा गबन सामने आया था, जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश सीबीआई को दिए थे, तो उस पूरे मामले के अंदर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हो रही है कि आखिरकार जो 50 करोड़ के आसपास का जो रकम था, जो फंड था, जो गबन किया गया, आखिरकार वो कहां खर्च किया गया, किन लोगों पे दिया गया। क्योंकि तो आपको याद होगा आशा को, 2015 के अंदर सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा गया था और इस मामले में 4 अधिकारी जिसमें खुद फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है, बाकी 3 अधिकारी जो क्रिकेट संघ के थे और उसमें एक जम्मू कश्मीर बैंक का एक कैशियर भी शामिल था, 4 लोगों के खिलाफ ऑलरेडी आरोप पत्र जो है चार्जशीट दाखिल कर चुकी है सीबीआई। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है उसमें एक बात समझने की है, क्योंकि ईडी उन मामलों के अंदर इन्वेस्टिगेट करती है कि जो पैसा भारत के अंदर भ्रष्टाचार के जरिए या टैक्स चोरी के जरिए कई विदेशों में भेजा गया हो या उसकी कई इंटरलिंक या इंटर जो कंट्री जो उसका कोई लिंक हो, तो मुझे लगता है कि जो पैसा गबन किया गया, जो पैसा भ्रष्टाचार के जरिए कहीं ना कहीं चुराया गया, वो पैसा किसको दिया गया, कहीं वो बाहर तो नहीं भेजा गया, उससे कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदी गई या कुछ इस तरीके का वो लिंक जो है वो ईडी शायद। नवदीप, सबसे बड़ी बात यह है क्रिकेट एसोसिएशन में जब इस तरीके से धांधली हुई, पूरा स्कैम पकड़ा गया, तो जाहिर तौर पर हम सब जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जितने भी युवा जो हैं वो क्रिकेट में अपनी रुचि रखते हैं, उन्हें काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था नवदीप। जी बिल्कुल, क्योंकि असम जी को उस वक्त जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी थे फारूक अब्दुल्ला, और तब ये पूरा मामला हुआ और उसमें जो तमाम अधिकारी और बाकी कर्मचारी भी शामिल थे, तो कहा जा सकता है कि 115 करोड़ के आसपास की जो राशि थी अच्छा, क्योंकि उस वक्त बीसीसीआई की तरफ से भेजी गई थी, और उसका मेन मोटिव यही था कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो जो जरूरतें हैं, चाहे वो ग्राउंड बनाने की हो या जो युवाओं को प्राथमिक सुविधाओं देने की हो और सुविधाओं को जो हाईटेक करने की हो, उन तमाम सुविधाओं के लिए ये फंड जारी किया गया था। लेकिन 2002 से 2011 के बीच जब ये फंड खर्च किया गया तो उसमें आरोप लगे थे कि ये फंड जो है वो सही तरीके से खर्च नहीं किया गया, और यही कारण था कि जब ये पूरा मामला पंजाब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा तो उन्होंने इस पूरे मामले की जो जांच की उसकी भी स्पष्टता दी। पहले इस पूरे मामले की जांच जम्मू कश्मीर की पुलिस कर रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस शायद उस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रेशर भी था, पूर्व मुख्यमंत्री भी फारूक अब्दुल्ला वहाँ पर रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़े सियासी किसी भी कद के नेता के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करना स्थानीय पुलिस की बस की बात नहीं रहता। यही कारण था कि तब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पूरा मामला 2015 के अंदर नवदीप, अगर हम अभी की बात करें तो अभी इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ कौन कौन अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं? क्या जितने लोगों के नाम इस कैब में थे वो सब लोग वहां मौजूद हैं? नहीं, अभी यहां पे केवल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हो रही है, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो अपने एडवोकेट थे उनकी टीम यहां पर बुलाई थी ताकि वो जो दस्तावेज है जो चाहिए वो सामने पेश कर सके, लेकिन हमारे सूत्रों वाले से जो खबर है और फारूक अब्दुल्ला जल्दी बाहर आने वाले हैं, तो तमाम मीडिया जो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है उनका, लेकिन अभी भी
जो कुछ पल की हम बात करेंगे वो ईडी दफ्तर के बिल्कुल बाहर हूँ। चलिए नवदीप, दोबारा से आपके साथ संपर्क जरूर साधेंगे कि पूरी कार्यवाही आखिर क्या कुछ चला है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दूं कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवदीप छाबड़ा लगातार ऑफिस के बाहर हैं, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ उनसे की जा रही है। और सीधे तौर पर आपने देखा कि नवदीप का क्या कुछ कहना था। वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में ये पूछताछ चल रही है, और सबसे अहम बात यह है कि जहां पर उनके वकीलों अब्दुल्ला को ही अंदर ले जाया गया है, और ईडी के जितने भी आला अधिकारी हैं वो उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि इतने बड़े स्कैम में जब आपने पैसा वहां से गबन किया है तो वो कहां लगाया, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से लिया जा रहा है। तो कुछ पल के बाद ही सामने आएगा, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूछताछ के बाद सामने बाहर आते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, क्या कुछ वो कहते हैं, क्या कुछ उनसे बातें हुई हैं ऑफिसर्स की, वो तो फिलहाल बाद में ही पता चलेगी। दोबारा से हम नवदीप के साथ संपर्क जरूर साधेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर नवदीप इस वक्त वहां मौजूद है, और लगातार वो कह रहे हैं कि पूछताछ 4.5 घंटे हो गया है, अभी तक फारूक अब्दुल्ला को अंदर गए हुए लगातार पूछताछ चल रही है। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव।